हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। घोसी में जिस तरीके से अरविंद राजभर को उठक बैठक करवा दी ब्रजेश पाठक ने, वहीं कहीं चर्चा हो रही है और अखिलेश यादव भी इसको राजभर समाज का अपमान बता रहे हैं। कोई नहीं, अरविंद छोटा है और छोटा यदि क्षमा मांगना कोई वो नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबरें ये आ रही हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो भी आ जाए, वहाँ की जनता इंतजार कर रही है। वहाँ की जनता को द्वयम दर्जे के नागरिक समझ रहे हैं, जिन्होंने पीढ़ियों तक उनके जो है नेतृत्व दिया, उनको द्वयम दर्जे का समझ रहे हैं। जनता वहाँ पर जो है उनको इंतजार कर रही है, इनका स्वागत करने के लिए आए हैं लोग चुनाव लड़ने, तो देखिए यहाँ की जनता किस तरह से उनका समर्थन करती है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है न्याय पत्र के नाम से, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र कुछ नहीं। इस देश में सबसे ज़्यादा शासन करने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया और आज तो पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, तो इसके एजेंडा का कोई महत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये जानते उनके उम्मीदवार जान रहे हैं कि चुनाव हारने के लिए मुझे टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि जब नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व ही चुनाव नहीं लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, देश की सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सीट थी रायबरेली, और उसके जो सांसद थी माननीय सोनिया गांधी जी, वो स्वयं जो है अपनी सीट छोड़ करके राज्यसभा के माध्यम से राजस्थान से निर्वाचित हो गई। राहुल गांधी जी पिछली बार केरल से भी लड़े थे और अमेठी से भी लड़े थे, और माननीय स्मृति दीदी ने उनको हराया, तो इस बार वो सीधे केरल ही गए, अमेठी आए ही नहीं। और अखिलेश यादव जी कन्नौज से लड़ना चाहते थे, पहले आजमगढ़ से लड़ना चाहते थे। आजमगढ़ की सीट जो 3 विधान परिषद में से 2 विधान परिषद उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को दिया, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को भी MLC बना दिया चुनाव जीतने के लिए, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो आजमगढ़ नहीं लड़ने गए। अपने भाई धर्मेंद्र यादव जी को भेजे, चाचा को जो है बदायूं भेजे शिवपाल जी को, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, और आज खुद कन्नौज गए, कन्नौज में आज तक घोषित नहीं कर रहे हैं कि जो है हम चुनाव लड़ेंगे। तो जब शीर्ष नेतृत्व तो नहीं चुनाव लड़ता है, तो आप देख रहे हैं कि अभी मेरठ के अंदर 4-4 प्रत्याशी उनके बदले गए 10 दिन के अंदर, उसी तरह से मिश्रिक में 14 प्रत्याशी अब चुनाव लड़ रहा है, इसी तरह कई क्षेत्रों में 2-2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता है, आप ज़बरदस्ती उनको लड़ा रहे हैं। सर्वे में आ रहा है कि 64 सीटें जो उत्तर प्रदेश में भाजपा खाते जा रही है, आप कितना अनुमान लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है। जब यहाँ प्रत्याशी मैदान छोड़कर के भाग रहे, नेता मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो अब आप पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें, 80 की 80 सीटें जीतेंगे? अभी तो मोदी जी की लहर लोगों ने देखा है, इस बार सुनामी बह रही है और सुनामी में 80 की 80 सीटें जीत। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पिछली बार लोगों ने मोदी की लहर देखा था, इस बार सुनामी बह रही है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकी मिराज खान लगा।